गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट प्रकाशिक यंत्र पढ़ रहे हैं, हमारे पास तीन प्रकार के प्रकाशिक यंत्र है। एक अपना मानव नेत्र था, ह्यूमन आई, एक माइक्रोस्कोप था, एक टेलीस्कोप था। हमने ह्यूमन आई और माइक्रोस्कोप कंप्लीट कर लिया है। उन पर आधारित जो क्वेश्चन है वो भी हमने पिछले वीडियो में देख लिए थे। आज हम टेलीस्कोप पढ़ेंगे। अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये टेलीस्कोप। ओके, तो हम टेलीस्कोप पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारे पास थर्ड जो अपना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट प्रकाशिक यंत्र है वो क्या है? टेलीस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इसको बोलते खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय बोले तो, एस्ट्रोनॉमिकल बोले तो जो खगोलीय पिंड है उनको हम देखने के लिए जिस उपकरण को काम में लेते हैं वो अपना खगोलीय दूरदर्शी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। ठीक है, हमने सूक्ष्मदर्शी में देखा था कि पास स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी काम में लेते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जो वस्तु है उनको हम सीधे आंखों द्वारा नहीं देख सकते, क्योंकि सूक्ष्म वस्तुओं द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण बहुत ही छोटा होगा, जिसके कारण उस सूक्ष्म वस्तुओं का आंख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो बहुत ही छोटा सा बनता है। ओके, लेकिन दूरदर्शी, दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए हम दूरदर्शी काम में लेते हैं। दूर स्थित वस्तु जो होती है वो आकार में तो बड़ी होती है, लेकिन वो हमसे बहुत अधिक दूर हैं, इसलिए उनके द्वारा हमारी आंख पर बनाया गया जो दर्शन कोण होगा वो बहुत ही अल्प होता है, वेरी स्मॉल होता है, जिसके कारण उन बड़ी वस्तुओं का जो आंख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत ही छोटा सा बनता है और वस्तु हमें छोटी सी दिखाई देती है। जैसे आप देखो, चंद्रमा है या सूर्य है या जो आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं, उनका जो प्रतिबिंब है वो आंख की रेटिना पर अपना छोटा सा बनता है। जैसे तारे हैं, बिंदुवत आकार का जो प्रतिबिंब वो हमारी आंख की रेटिना पर बनता है, तो तारे बिंदुवत आकार के थोड़ी है, तारे बहुत बड़े होते हैं। ठीक है ना, सूर्य या चंद्रमा पृथ्वी से भी बड़े होते हैं तारे, लेकिन वो अपने हमसे बहुत अधिक दूरी पर है, जिसके कारण उन तारों द्वारा आंख की रेटिना पर बनाया गया जो दर्शन कोण है वो बहुत ही छोटा होगा, जिसके कारण तारे का जो प्रतिबिंब होगा आंख की रेटिना पर वो बहुत ही छोटा सा दिखाई देता है, इसलिए हमें वो छोटा नजर आता है। वस्तु तो बहुत बड़ी है लेकिन वो हमसे बहुत अधिक दूरी पर है, इसलिए वो हमें छोटी दिखाई देती है। तो दूर स्थित वस्तु जो है वो आकार में तो बहुत बड़ी है, बट उनके द्वारा आंख पर बनाया गया जो दर्शन कोण है वो बहुत क्या है? अल्प है, इसलिए उनका आंख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा बहुत ही छोटा बनेगा। तो यहां पर भी हमें क्या करना है? दर्शन कोण के मान को बढ़ाना है। दूर स्थित वस्तु जो है उनके द्वारा आंख पर बनाया गया जो दर्शन कोण है उसके मान को हमें बढ़ाना है, और दर्शन कोण के मान को बढ़ा दे, यूजुअल एंगल की वैल्यू को अगर हम इंक्रीज कर दे, तो उससे जो फारेस्ट जो डिस्टेंट जो ऑब्जेक्ट है, दूर स्थित जो वस्तु है, उसका प्रतिबिंब जो है आंख की रेटिना पर वो बड़ा बनता है, जिससे हमें उस दूर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो भी हमें बड़ा दिखाई देता है। तो इसमें बस यही है, इसमें भी हमें दर्शन कोण के मान को बढ़ाना है। सूक्ष्मदर्शी में भी हमने दर्शन कोण के मान को बढ़ाया था। सूक्ष्मदर्शी में हम पास स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को देखते हैं, दूरदर्शी से हम दूर स्थित आकार में तो बड़ी है वो वस्तु, लेकिन उनके द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण क्या है? बहुत ही छोटा है, इसलिए वस्तु छोटी दिखाई देती है। तो यहाँ पे भी हम विजुअल एंगल जो है उसको इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना, जिससे साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी।
तो व्हाट इज द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, खगोलीय दूरदर्शी क्या है, पहले इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे। ओके, डेफिनेशन लिखो। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, वह प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं या खगोलीय पिंडों दूर स्थित वस्तुओं या खगोलीय पिंडों जैसे चंद्रमा ग्रह तारे आदि के दर्शन कोण को के दर्शन कोण को बढ़ाकर उनका आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। खगोलीय दूरदर्शी कहलाता है, ठीक है, ओके। तो इसमें भी हमें क्या, दूर स्थित वस्तु है उनके द्वारा आंख पर बनाया गया जो दर्शन कोण बहुत छोटा होगा, तो हमें दर्शन कोण के मान को बढ़ाना है जिससे उनका जो प्रतिबिंब आंख की रेटिना पर वो बड़ा दिखाई दे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, एन ऑप्टिकल डिवाइस विद हेल्प ऑफ विच Magnified image of distant objects or astronomical bodies like moon, planets, stars, etc. are obtained by increasing their usual angle by increasing their usual angle is called astronomical telescope. Okay, again there are two types of the astronomical telescope. Okay, तो heading डालना types of a astronomical telescope. Types of astronomical telescope. ठीक है,
खगोलीय दूरदर्शी के प्रकार, खगोलीय दूरदर्शी के प्रकार। नीचे लिखना, खगोलीय दूरदर्शी को दो भागों में विभाजित करते हैं, खगोलीय दूरदर्शी को दो भागों में विभाजित करते हैं। ओके, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट जो है वो अपना क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रेक्टिंग टेलीस्कोप, खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी, खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार तो इसका डायग्राम पूछा था एक नंबर का। ओके, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ओके, इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, टू टाइम्स इस पर न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं। ओके, और बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है 4 नंबर का, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। नाम से पता चल रहा है रिफ्रैक्टिंग है, अपवर्ती है, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन होगा। बोले तो इस टेलीस्कोप में हमारे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। एम तो वही है, यूजुअल एंगल को इंक्रीज करना है, बट रिफ्रैक्टिंग टाइप है, अपवर्ती है, अपवर्तन होगा, ठीक है ना। इसका मतलब अपवर्तन किससे होता है, मिरर से होता है कि लेंस से होता है, लेंस से होता है। तो इस टेलीस्कोप में, इस दूरदर्शी में हमें लेंस यूज में लेने हैं, क्या लेने हैं, लेंस यूज में लेने हैं, ठीक है ना। तो जो हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा है, ठीक है ना, उसका जो अपोजिट है, अगर उसको हम अपोजिट कर दे, उल्टा कर दे, ठीक है। हमने देखा था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक था आईपीस लेंस और एक था क्या हमारे पास है, ऑब्जेक्टिव मतलब लेंस था, एक हमारे पास नेत्रिका थी और एक अभिदर्शक था, ठीक है ना। अब अगर माइक्रोस्कोप को उल्टा कर दे, ऐसे कर दे, ये था, इसको ऐसे कर दे, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस को आई की तरफ ले आए और आई जो लेंस है या नेत्रिका को उसकी तरफ है। तो इस कंडीशन में उल्टा कर दे, तो कहने का मतलब यही है कि सेम टू सेम वो का वही कंस्ट्रक्शन होगी, बस इसमें और उसमें ये चेंज है कि उसमें हमारे पास से जो आईपीस लेंस था, नेत्रिका थी, उसका साइज या उसका अपर्चर, उसका द्वारक और फोकल लेंथ है वो ऑब्जेक्टिव लेंस से, अभिदर्शक लेंस से क्या थी, ज्यादा थी। बट यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ और अपर्चर द्वारक वो बड़ा होगा नेत्रिका आईपीसी लेंस से, ठीक है ना। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि वस्तु की ओर, ऑब्जेक्ट की ओर जो लेंस होगा वो साइज में बड़ा होगा और जो आई की तरफ जो लेंस होगा वो साइज में छोटा होगा। वो क्यों लेते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप में हम टीनी ऑब्जेक्ट को देख रहे थे, तो टीनी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, तो टीनी ऑब्जेक्ट था, तो टीनी ऑब्जेक्ट के लिए हम ऑब्जेक्टिव लेंस है, अभिदर्शक लेंस है, वो छोटा ले रहे थे। बट यहाँ पर क्या है, टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप से हम फार जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, दूर स्थित वस्तु को देख रहे हैं, तो वो दूर स्थित वस्तु वो आकार में बहुत बड़ी होती है, ठीक है ना। जैसे हम स्टार को देख रहे हैं या हम सन को देख रहे हैं या हम मून को देख रहे हैं, तो वो उनका आकार बहुत बड़ा है, इसलिए हमें जो आगे वाला लेंस है,
उस जैसे मान लो मून को देखना है तो मून से जो लाइट रे आएगी तो उसके लिए हमें बड़ा लेंस यूज में लेना पड़ेगा, तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्टिव लेंस हमें बड़ा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, तो यही इसमें डिफरेंस है। तो जो आपका खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी या एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रेक्टिव टेलीस्कोप है, इसमें भी हम टू कॉन्वेक्स लेंस यूज में लेते हैं ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर। स्मॉल फोकल लेंथ हम क्यों लेते हैं ये मैंने आपको बताया दिया था। स्मॉल फोकल लेंथ लेंगे तो मैग्निफिकेशन पावर इंक्रीज हो जाएगी, और अपर्चर स्मॉल क्यों लेते हैं, अपर्चर स्मॉल लेंगे तो उससे जो इमेज ऑब्टेन होगी उसमें क्रोमेटिक के ये स्फेरिकल अब्रेशन जो डिफेक्ट है जो लेंस के कारण प्रोड्यूस होता है वो नहीं होता है, जो गोली विपतन दोष है वो उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए हम जो भी लेंस लेते हैं माइक्रोस्कोप हो चाहे टेलीस्कोप हो उनकी हमें फोकल लेंथ वेरी स्मॉल रखनी है और अपर्चर भी वेरी स्मॉल रखना है, ठीक है ना। तो उसका रीजन मैंने आपको कल बताया था, ठीक है ना, सूक्ष्मदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी में कि क्यों उसकी अपर्चर को हम कम लेते हैं, क्यों उनकी फोकल लेंथ को हमें कम लेते हैं, ठीक है ना। तो हम पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी क्या होता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, वह दूरदर्शी जिसकी सहायता से वह दूरदर्शी जिसकी सहायता से दूर स्थित खगोलीय पिंडों जैसे चंद्रमा कोमा ग्रह कोमा तारे आदि के दर्शन कोण को बढ़ाकर के दर्शन कोण के मान को बढ़ाकर के दर्शन कोण के मान को बढ़ाकर उनका आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है कोमा खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी कहलाता है ठीक है। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, द टेलीस्कोप विद हेल्प ऑफ विच ए मैग्निफाइड इमेज ऑफ डिस्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स लाइक मून कोमा प्लैनेट्स कोमा स्टार्स एटसेट्रा आर ऑब्टेंड
by increasing their usual angles, by increasing their their, by increasing their usual angles, by using two convex lenses, by using two convex lenses of small aperture and less focal length, small aperture or less focal length. Comma is called astronomical refracting telescope. इसमें भी हम टू कॉन्वेक्स लेंस यूज में लेते हैं जिनकी फोकल लेंथ लेस होगी, अपर्चर वेरी स्मॉल होगा, ठीक है, और हम मैग्निफाइड इमेज ऑब्टेन करेंगे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की, ठीक है, ओके। अब इसका प्रिंसिपल सिद्धांत लिखना, प्रिंसिपल हिंदी मीडियम वाले बच्चे लेंगे सिद्धांत। सिद्धांत वही है जो हमने माइक्रोस्कोप में पढ़ा था, सूक्ष्मदर्शी का जो सिद्धांत है वही दूरदर्शी का सिद्धांत होता है, ठीक है ना। तो लिख लो दोबारा, सिद्धांत प्रिंसिपल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट ऑफ, when an object is placed between a optical center and first focus point of convex lens, when an object is placed between a optical center and first focus point of convex lens, then upright, comma virtual and magnified image is obtained. This is the principle of telescope. This is the principle of telescope. Okay, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा प्रथम फोकस के मध्य स्थित होती है तो उसका सीधा कोमा आभासी व आवर्तित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ओके। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे बनावट या रचना। देखो बनावट आपको खुद लिखनी है, मैं समझा देता हूं। जैसे हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लिखी है, सेम टू सेम वो की वही लिखनी है, सिर्फ चेंज एक जगह, एक ही वर्ड को चेंज करना है। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि मैंने क्या लिखवाया था, ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा अरेंज कर लेना, क्या उसमें ये लिखवाया था, ठीक है ना, तो माइक्रोस्कोप की जगह तो टेलीस्कोप लिख देना, ठीक है ना। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखना आपको चेंज क्या करना है। देखो आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है उसकी जो कंस्ट्रक्शन लिखी थी वहां पर जाइए और उसको देखिए, ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनिए, ठीक है ना। तो
तो वहां पर लिखा था इन दिस माइक्रोस्कोप लिखा था, इसमें क्या लिखेंगे इन दिस टेलीस्कोप, ठीक है ना। तो एरो लगा के लिखोगे इन दिस टेलीस्कोप टू कॉन्वेक्स लेंसेस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर आर यूज्ड, ओके दीज टू लेंसेस आर फिटेड और फिक्स्ड एट द टू फ्री एंड्स ऑफ ए होलो मेटालिक ट्यूब, ठीक है ना। ओके तो सेम टू सेम वैसे उसमें भी यही लाइन लिखी थी, सिर्फ माइक्रोस्कोप दिया टेलीस्कोप लिखना, बाकी वो की वही चीज है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या लिखा था द लेंस विच इज टुवर्ड्स टू द आई इज कॉल्ड द आई पीस, ओके एंड द लेंस विच इज टुवर्ड्स टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव लेंस ओ, ठीक है ना। ये सेम टू सेम वो का वही लिखना है, ठीक है। तो ऊपर सिर्फ हमने जितना मैंने बोला है उसमें सिर्फ माइक्रोस्कोप किसी का टेलीस्कोप लिखना, बाकी तो सेम टू सेम वही लिखना है। अब चेंज एक चेंज और आएगा, इसमें क्या लिखना है इन द फोकल लेंथ एंड अपर्चर ऑफ द आईपीस लेंस इज स्मॉल देन, वहां पर ग्रेटर देन लिखी थी, यहां पर क्या लिखनी है स्मॉल, यहां पर आईपीस लेंस है उसकी फोकल लेंथ और अपर्चर है वो ऑब्जेक्टिव लेंस से क्या होगी स्मॉल होगी, तो ग्रेटर की जगह स्मॉल लिखना है, स्मॉल देन द फोकल लेंथ एंड अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, बस ये चेंज करना है, ओके। फिर बाद में क्या लिखा था द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लेंसेज कैन बी चेंजेज कैन बी वेरिड बाई रिंग पाइनियन मेथड, ओके या अरेंजमेंट, ओके। तो आप पे सेम टू सेम वो की वो कंस्ट्रक्शन लिखनी है, एक तो सिर्फ टेलीस्कोप की जगह माइक्रोस्कोप की जगह टेलीस्कोप लिखना है और ग्रेटर देन की जगह लेस देन लिखना है, ओके बस इतना ही चेंज करना, बाकी सेम टू सेम वो का वो ही कंस्ट्रक्शन लिखनी है, आपको याद भी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। एक की कंस्ट्रक्शन याद होगी तो दूसरे की अपने आप ही याद हो जाएगी, ठीक है। तो नोट कर लेना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखो हमने लिखा था कि इस सूक्ष्मदर्शी में, तो जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी लिखा था उसकी जो हमने बनावट लिखी थी सेम टू सेम वो की वो बनावट यहाँ पर लिखनी है, ठीक है ना। वहाँ सिर्फ इसमें इस पूरी बनावट में आपको दो वर्ड चेंज करने, दो शब्द चेंज करने हैं। वहां पर लिखा था इस सूक्ष्मदर्शी में, यहाँ पर लिखना है इस दूरदर्शी में, इस दूरदर्शी में कम फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक के दो उत्तल लेंस होते हैं, ठीक है ना, जो किसी खोखली नलिका के मुक्त सिरों पर लगे होते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी की जगह दूरदर्शी लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या लिखा था कि एक लेंस तो क्या होता है आंख की ओर होता है, उसको तो हम क्या बोलते हैं नेत्रिका या चक्षु बोलते हैं, और एक लेंस है वो वस्तु की ओर होता है जिसको हम अभिदर्शक लेंस बोलते हैं, सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही लिखना है। फिर चेंज क्या करना है, चेंज ये करना है कि जो लेंस सॉरी जो नेत्रिका लेंस है वहां पर लिखा था नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी तथा द्वारक अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी तथा द्वारक की तुलना में क्या होते हैं कम होते हैं, क्या होते हैं कम होते हैं। वहां पर अधिक लिखा था, यहाँ पर क्या लिखना है कम होते हैं, ठीक है ना। तो जो अपना दूरदर्शी होगा, दूरदर्शी में क्या होता है कि जो वस्तु की ओर जो लेंस होता है अभिदर्शक लेंस जो होता है उसका द्वारक और फोकस दूरी है वो नेत्रिका की तुलना में अधिक होती है। उसमें क्या था नेत्रिका लेंस है वो बड़ा था और अभिदर्शक छोटा था, इसमें अभिदर्शक बड़ा होगा नेत्रिका छोटी होगी, ठीक है ना। उसके बाद में क्या लिखा था कि लेंसों के मध्य जो दूरी है वो हमें दंड चक्र व्यवस्था की सहायता से बड़ा या घटा सकते हैं या चेंज परिवर्तित कर सकते हैं। तो आपको पूरे जो रचना है उसमें दो ही नाम चेंज करने हैं, एक तो आपको जो सूक्ष्मदर्शी लिखा था वहां पर दूरदर्शी लिखना है और जहां अधिक लिखा था वहां कम लिखना है, बाकी सेम टू सेम वो की वो ही लिखनी है, ठीक है ना। नोट कर लेना इसको आप। अब इसका किरण चित्र देखते हैं, रेड डायग्राम। इसका किरण चित्र देखते हैं, किरण चित्र को समझना। किरण चित्र समझने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारे पास उत्तल लेंस है,
ठीक है, ये इसकी मूर्ति एक्स हो गई, ये इसका फर्स्ट फोकस है एफ वन, ये इसका सेकंड फोकस है एफ टू। हमें पता है कि इसका सेकंड फोकस होता है वही इसका मेन फोकस होता है, जो ये द्वितीय फोकस होता है फोकस बिंदु यही क्या होता है उसका मुख्य फोकस होता है। हमें पता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आती है लाइट रे तो हमें पता है कि कहां पर मिलती है, यहां पर मिलती है फोकस पर मिलेगी, इसका मतलब इमेज कहां बनेगी, फोकस पर बनेगी, ठीक है ना, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर लाइट रे वो पैरेलल आ रही है बट प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल नहीं आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, पैरेलल तो आ रही है बट नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्स, समांतर तो आ रही है लेकिन इस मुख्य एक्स के समांतर नहीं है, इस मुख्य एक्स से समांतर है क्या, नहीं है। तो ये तो हमें पता है कि इसके ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो तो सीधी निकल गई। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसका प्रथम फोकस तो ये एफ और ये है, द्वितीय फोकस क्या हो गया एफ टू, ये हो गया, बनेगा तो प्रतिबिंब फोकस पर लेकिन फोकस बिंदु पर नहीं बनेगा, इस फोकस से होकर गुजरने वाला जो तल है, इस फोकस से होकर गुजरने वाला जो तल है इस तल पर आप इस ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दो, ये लाइन है इस तल को यहां पर काट रही है, काट रही है ना, तो देखिए ये लाइट रे कैसे डेविएट होगी, ऐसी होगी, ये लाइट रे कैसे डेविएट होगी, ऐसी डेविएट होगी, तो यहां पर ये मिलेंगी, ठीक है ना। तो अगर मान लो जो प्रकाश किरण है लाइट रे है वो पैरेलल आ रही है बट नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्स एक्स, इस मुख्य एक्स के समांतर नहीं आ रही है, तो उनका जो प्रतिबिंब कहां बनेगा, बनेगा फोकस पर ही लेकिन फोकस बिंदु पर नहीं बनेगा, फोकस से होकर गुजरने वाला जो तल है, जो प्लेन है, उस प्लेन पर कहीं इसका प्रतिबिंब, ये प्रकाश किरणें मिलेंगी और उससे बनेगा प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेगा, देखो फोकस पर ही बन रहा है, लेकिन ये जो लाइट रे है वो फोकस पॉइंट पर नहीं मिलेंगी, वो लाइट रे इस फोकस से, द्वितीय जो फोकस है उससे गुजरने वाला जो तल है, ठीक है ना, उस पर किसी बिंदु पर मिलेंगी, इससे गुजरने वाली जो रेखा है उसके किसी बिंदु पर मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट काम में लेना है, ठीक है। तो इसका रे डायग्राम हम देख लेते हैं, तो ये हमने ले लिया ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, ये हमने ले लिया ऑब्जेक्टिव लेंस, ले लिया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस ओ है, इसको हमने ऑप्टिकल जो सेंटर है इसका प्रकाशीय केंद्र ओ मान लिया। अब वस्तु कहाँ है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, वस्तु कहाँ, अनंत पर है, बोले तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है आपका जो वस्तु है, या हम कोई एस्ट्रोनॉमिकल कोई बॉडी देख रहे हैं, जैसे कोई तारा देख रही है या चंद्रमा देख रहे हैं, तो वो तो बहुत अधिक दूरी पर है, तो हम वस्तु को थोड़ी बनाएंगे, यहाँ पर नहीं बनाएंगे, लेकिन उससे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, लार्ज डिस्टेंस पर है, तो उससे जो लाइट रे आती है वो क्या मानते हैं, हम पैरेलल मानते हैं, क्या मानते हैं, पैरेलल, यहाँ पर हम इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही मानेंगे, ऐसे पैरेलल आ रही है दो लाइट रे, ऑब्जेक्ट से आ रही है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर प्लेस्ड है, ऐसे ऑब्जेक्ट से आ रही है, ठीक है। एक आपको पता है कि इमेज ऑब्टेन करने के लिए हमें मिनिमम टू लाइट रे चाहिए, एक हमने ऐसे डाल दी, ठीक है, ये इसका फर्स्ट फोकस हो गया एफ वन या एफ डेस मान लो इसको, ये इधर हो गया, चलो बड़ा फोकस ले लेते, ये एफ डेस हो गया, ये एफ हो गया, एफ नॉट हो गया, ना ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए नॉट हो गया, ठीक है। ये जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो तो सीधी निकल गई, ठीक है, और मैंने बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होती, तो इस फोकस से होकर गुजरने वाली जो लाइन है ये इसको यहां काटती है, तो ये सेकंड वाली लाइन है वो यहां पर आकर मिल जाएगी, ऐसे
तो यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी, फोकस पर बनेगी इमेज। तो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होता है तो हमें पता है कि इमेज कहाँ बनती है, फोकस पर ही बनती है, सेकंड फोकस पर बनती है। यहां तक समझ में आ गया सबको, आ गया ना? ओके। अब ये जो इमेज बनी है एडेस बीडेस, ये जो इमेज बनी है वो सेकंड वाले लेंस के लिए किसकी तरह बिहेव करेगी, सेकंड वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। ये हमने सेकंड वाला लेंस बना लिया, ये आई लेंस हो गया अपना, ये क्या हो गया, आई लेंस हो गया। ठीक है, ये इसकी ऑप्टिकल एक्सिस हो गई, ये ई लेंस है, आई लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया ई डेस। ठीक है, अब ये जो इमेज बनी ए डेस बी डेस, ये इसके लिए किसकी तरह बिहेव करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, अब ये इसका फोकस पॉइंट है एफ डेस। हमारे जो सिलेबस है उसमें जो हमने दो केस लेते हैं कि अपनी जो फाइनल इमेज है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर बनती है और फाइनल इमेज है वो इनफाइनाइट पर बनती है। तो अपने डायरेक्ट जो डेरिवेशन दिया है वो यही दिया है कि इमेज है वो इनफाइनाइट पर बन रही है, कहां बन रही है, इनफाइनाइट। तो हम इनफाइनाइट वाला डायग्राम बनाएंगे। तो हमें पता है कि ये इससे इमेज बनी है, इससे जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था वो कहां पर था, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर था। तो इसकी इमेज कहां बनी, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पॉइंट पर बनी है। ठीक है ना, अब ये जो इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, इसके लिए वस्तु की तरह कार्य करेगी, वस्तु का कार्य करेगी। तो इसकी इमेज है वो हमें कहां बनानी है, इनफाइनाइट पर बनानी है। तो हमें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो इमेज कहां बनती है, फोकस पॉइंट पर। और उसकी इमेज है अगर इनफाइनाइट पर, कहां पर, इनफाइनाइट पर हम कैसे बनाएंगे, इनफाइनाइट पर इमेज तभी बनेगी जब ऑब्जेक्ट कहां हो, फोकस पॉइंट पर। तो इससे इसकी जो इमेज है वो इनफाइनाइट पर तभी बनेगी जब ये इसके फोकस पर रखा हो। तो इसका फोकस हम एफ ई डेस मान ले इधर वाली साइड में, तो इसका फोकस भी एफ ई डेस यही पर है और ये इधर हो गया। तो देखो ये पैरेलल गई, ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर से भेज दी वो तो सीधी निकल गई, ओके okay? और यहां से भेजी वो कहां से चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी। ये इसका फोकस हो गया एफ ई। इसको हम पीछे की तरफ बढ़ा दी, तो ये कहां पर जाकर मिलेंगी, इनफाइनाइट पर जाकर मिलेगी। तो हमें इमेज है वो इनफाइनाइट पर, फाइनल इमेज ए डबल डेस बी डबल डेस हमें इनफाइनाइट पर मिलेगी। समझ में आ गया ना? ठीक है, कहने का मतलब यही है कि इसकी इमेज कहां बनी, इसके फोकस पर। ठीक है, और इस इमेज की हमें अगेन इमेज बनानी है इससे, और इमेज कहां बनानी है, इनफाइनाइट पर बनानी है। तो ये जो इमेज है ए डेस बी डेस वो इस नेत्रिका के, इस आई लेंस के कहां पर रखी होगी, फोकस पर रखी होगी तभी। तो इसका मतलब इसका सेकंड फोकस, ओके, और इसका फर्स्ट फोकस दोनों एक ही जगह है। तो देखिए डिस्टेंस देख लेते हैं, क्या डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस यहां से यहां के फोकस पॉइंट है, तो ऑप्टिकल सेंटर की फोकस पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगी, इसकी फोकल लेंथ होगी एफ नोट, पॉजिटिव आएगा, राइट साइड में है। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस आई लेंस से नेत्रिका से कितनी दूरी पर रखा हुआ है, तो ये इसके फोकस पर रखा हुआ है। तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस, चूंकि ये लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में तो माइनस एफ ही फोकल लेंथ की इक्वल होगी। फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, फोकल लेंथ होती है, फोकस दूरी होती है, बट लेफ्ट साइड में है तो माइनस एफ ही आ गया। ओके, अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट इधर था, तो ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा। यहां पर हमें दो डायग्राम लेने की जरूरत नहीं है। अल्फा जो एंगल था वो विजुअल एंगल है, वो विजुअल एंगल हमने देखा था कि कोई ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट आई पर सीधा, हम कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट सीधा आई पर जो विजुअल एंगल बना रहा था वो अल्फा एंगल लिया था हमने। ठीक है ना, और जो फाइनल इमेज आई पर बना रही थी उसको बीटा लिया था। यहां पर हमने आई नहीं लिखी, यहां पर आई, ये
ये आई है, ठीक है। लेकिन यह आई तो यहां पर है, इसके साथ क्यों बना लिया? देखो अपना जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर आई यहां पर है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो आप इससे वो इनफाइनाइट पर है तो इससे ले लो चाहे आगे वाले लेंस से ले लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है दोनों लेंसों के बीच की जो डिस्टेंस है वो उस ऑब्जेक्ट की तुलना में क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो हम यही मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो उसके साथ जितना वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ जितना यूजुअल एंगल बना रहा है वही किसके साथ बनाएगा, आई के साथ। और ये जो फाइनल इमेज है वो इसके साथ एंगल जो बनाएगी उसको हम क्या लेंगे, बीटा लेंगे। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया होगा सबको, तो ये डायग्राम बना लेना, यहां पर लिख लेना वेल, फाइनल इमेज इज ऑब्टेंड एट इनफाइनाइट, ठीक है। जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बनता हो, अनंत पर बनता हो, उसके लिए ये डायग्राम है, ठीक है। तो ये डायग्राम आप बना लो, अब एंडिंग डालना। प्रतिबिंब निर्माण की क्रिया विधि, ये प्रतिबिंब कैसे बना है इसकी क्रिया विधि हम लिखेंगे, प्रतिबिंब निर्माण की क्रिया विधि, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एंडिंग डालेंगे, वर्किंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए इमेज, वर्किंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए इमेज, ठीक है, ओके। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, when the parallel light coming from the distant object, इंसिडेंट ऑन ऑब्जेक्टिव लेंस कैपिटल ओ, कॉस्टम लेना कैपिटल ओ, इंसिडेंट ऑन ऑब्जेक्टिव लेंस कैपिटल ओ, देन इन्वर्टेड, उल्टी बन रही है ना, इन्वर्टेड एक्चुअल में मीट हो रही है तो एक्चुअल में मीट हो रही है तो इन्वर्टेड ही होगी, ठीक है ना, इन्वर्टेड होगी तो रियल होगी, ठीक है। देन इन्वर्टेड कोमा रियल एंड स्मॉल इमेज ए डेस बी डेस इज ए ऑब्टेंड, स्मॉल होगी क्योंकि ये जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में तो स्मॉल ही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, फार है, छोटा दिख रहा है लेकिन है तो बड़ा ना, तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ये इमेज क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है ना। देन इरेक्ट कोमा रियल एंड स्मॉल इमेज एडेस बीडेस इज ऑब्टेंड, ठीक है, ओके, फुल स्टॉप। आगे लिखना, दिस इमेज एडेस बीडेस
बिहेव एज ए ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस या फॉर आई लेंस दिस इमेज ए डेस बी डेस इज बिहेव एज ए an object well as an object for eye lens full stop likho देखो फाइनल इमेज ऑफ दिस इमेज ए डेस बी डेस is obtained at infinite when it placed at first focus point of eyelids when it placed at first focus of a eye lens okay full stop aage likho final image is upright and magnified compared to image A dash B dash upright and magnified compared to image A dash B dash but inverted compared to object but inverted compared to object inverted and small लिख सकते हो but inverted and small compared to object okay अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे जब दूर स्थित वस्तु से समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अभिदर्शक लेंस कॉस्टिक में लेना कैपिटल ओ अभिदर्शक लेंस कोष्ट में लिखना कैपिटल ओ पर आपतित होती है तो वास्तविक कोमा उल्टा तो वास्तविक कोमा उल्टा वास्तविक कोमा उल्टा वह छोटा प्रतिबिंब एडेस बीडेस प्राप्त होता है। छोटा इसलिए बोला है इसको क्योंकि वस्तु क्या है, बहुत बड़ी है। दूर स्थित जो वस्तु है वो आकार में तो बहुत बड़ी है, ठीक है ना, उसके आकार की तुलना में ये जो प्रतिबिंब होगा वो छोटा होगा। वास्तविक कोमा उल्टा वह छोटा प्रतिबिंब एडेस बीडेस प्राप्त होता है, ठीक है ना, पूर्ण विराम। आगे लिखो यह प्रतिबिंब एडेस बीडेस
यह प्रतिबिंब ए डेस बी डेस नेत्रिका कोष्ठकमिलना कैपिटल ई, नेत्रिका कोष्ठकमिलना कैपिटल ई के लिए बिंब की भांति व्यवहार करता है। नेत्रिका कोष्ठकमिलना कैपिटल ई के लिए बिंब की भांति व्यवहार करता है। पूर्ण विराम लिखो। जब यह प्रतिबिंब एडेस बीडेस नेत्रिका के प्रथम फोकस पर, जब यह प्रतिबिंब एडेस बीडेस नेत्रिका के प्रथम फोकस पर स्थित होता है, जब यह प्रतिबिंब एडेस बीडेस नेत्रिका के प्रथम फोकस पर स्थित होता है तो उसका अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। उसका अंतिम प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत पर बनता है। उसका अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ठीक है। एरो लगा के नीचे लिखो। अंतिम प्रतिबिंब प्रतिबिंब एडेस बीडेस की तुलना में सीधा व बड़ा, सीधा व बड़ा होता है, किंतु वस्तु की तुलना में उल्टा व छोटा होता है। वस्तु की तुलना में उल्टा व छोटा होता है। ठीक है, ओके, कंप्लीट हो। अब एडिंग लाला आवर्धन क्षमता का व्यंजक, आवर्धन क्षमता का व्यंजक, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ मैग्निफिकेशन पावर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ ए मैग्निफिकेशन पावर, आवर्धन क्षमता का व्यंजक, ठीक है ना। इसकी आवर्धन क्षमता हम निकालेंगे क्या आएगी, ठीक है, ओके ओके। तो पहले हम आवर्धन क्षमता, देखो यहाँ पर डायग्राम में शो कर लेना आप, जो डायग्राम बनाया था, ये एंगल अल्फा है, तो देन दिस एंगल इज व्हाट इज आल्सो अल्फा, अल्टरनेटिंग एंगल एकांतर कोण है, तो आप डायग्राम में ये शो कर लेना, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, ठीक है ना, ओके। तो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन वही है जो हमने सूक्ष्मदर्शी में पढ़ी थी कि फाइनल इमेज है उसके द्वारा आई पर बनाया गया विजुअल एंगल और ऑब्जेक्ट द्वारा आई पर बनाया गया विजुअल एंगल। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, लिखो द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल, द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल, कॉस्ट में लिखना बीटा, द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल कॉस्ट में लिखना बीटा सस्पेंडेड बाय फाइनल इमेज ऑन द आई एंड विजुअल एंगल कॉस्ट में लिखना अल्फा, एंड विजुअल एंगल कॉस्ट में लिखना अल्फा सब्सटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द आई कॉमा इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप,
इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ए टेलीस्कोप। तो डेफिनेशन सबकी सेम ही होती है, आप किसी की पूछे तो यही डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। ओके, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, हेंस कैपिटल एम क्या हो जाएगा, कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन ए अल्फा। सिंस एंगल अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, देन हम इसको क्या लिख सकते हैं, एम बराबर बीटा अपॉन अल्फा, एंगल स्मॉल हो गया तो नियरली इक्वल टू क्या जाएगा, ये बीटा की जगह टेन बीटा आ गया और डिवाइडेड बाय अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा। ये आ गई इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। ओके, अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, लिखो दूरदर्शी से प्राप्त अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, दूरदर्शी से प्राप्त अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाए गए दर्शन कोण, आंख पर बनाए गए दर्शन कोण कोष्ठ में लिखना बीटा, तथा वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए दर्शन कोण, तथा वस्तु द्वारा आंख पर बनाए गए दर्शन कोण कोष्ठ में लिखना अल्फा का अनुपात, का अनुपात कोमा दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहलाती है, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कहलाती है, ठीक है। एरो लगा के नीचे लिखो, इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं, इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं, इसलिए कैपिटल एम बराबर क्या आ जाएगा, इसलिए लिखना है, इसलिए कैपिटल एम बराबर क्या आ जाएगा, बीटा अपॉन ए अल्फा, ठीक है ना, एम बराबर बीटा अपॉन अल्फा। उसके बाद में नीचे लिखना, सिंस कोण अल्फा व बीटा बहुत अल्प होते हैं, सिंस कोण अल्फा व बीटा बहुत अल्प होते हैं, इसलिए क्या जाएगा, इसलिए बीटा की जगह हम टेन बीटा लिख सकते हैं, अल्फा की जगह टेन अल्फा। ये इक्वेशन नंबर वन आ गई है, तुमने सबमिट किया है, ठीक है ना, नोट कर लिया होगा सबने, चूंकि कोण अल्फा व बीटा बहुत अल्प होते हैं इसलिए हमारे पास ये आ गई समीकरण नंबर ए, ठीक है। अब हमें इस डायग्राम से एल टेन अल्फा और टेन बीटा की वैल्यू निकालनी है, अभी निकाल देते हैं। टेन अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये देखो, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें अल्फा है कि नहीं है, तो अगेन अल्फा लेना है, टेन अल्फा लेना है, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस हो गया, लंब बटे आधार हो गया। तो फ्रॉम द फिगर इन ए ट्रायंगल ए डेस बी डेस ओ डेस, ओके, चित्र से त्रिभुजी ए डेस बी डेस ओ डेस में, चित्र से त्रिभुज ए डेस बी डेस ओ डेस में टेन अल्फा क्या आ जाएगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू आ गया परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, लंब बटे आधार, लंब क्या है ए डेस बी डेस, डिवाइडेड बाई आधार क्या है बेस क्या है ओ डेस बी डेस, ठीक है। इसकी वैल्यू रख दो, क्या आगे रख देते हैं यहां पर
एडेस बीडेस का पता नहीं, डिवाइडेड बाय ओ बीडेस, ओ ये सॉरी ओडेस है, ओडेस बीडेस की वैल्यू क्या है, ओडेस बीडेस की वैल्यू क्या है, एफ नोट है, डिवाइडेड बाय एफ नोट आ गया। ये आगे इक्वेशन नंबर अपनी सेकंड आ गई, ये इक्वेशन नंबर दो आ गई। ठीक है, अब देखिए, अब एल बीटा की वैल्यू निकालते हैं। बीटा इस ट्रेंगल में है, कौन से में, देखो इन ट्रेंगल ए डेस बी डेस ई डेस, ठीक है, त्रिभुज ए डेस बी डेस ई डेस में, ठीक है। अगेन यहां पर परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टेन बीटा क्या आ गया, टेन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, ए डेस बी डेस है, डिवाइडेड बाय बेस क्या है, ई डेस बी डेस है, ई डेस बी डेस है, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू रख दो, ए डेस बी डेस हमें पता नहीं है, हमने नहीं कंसीडर किया है, ये हाइट इसकी कंसीडर नहीं किया, बट ये हमने लिया है कितना है, माइनस एफ ही है, ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर थर्ड दे दिया। अब टेन अल्फा टेन बीटा दोनों की वैल्यू रख आ गई, अब हम इक्वेशन वन में रख देंगे, समीकरण एक कोमा दो व तीन से, समीकरण एक कोमा दो व तीन से, फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री वैल्यू रख दो, m बराबर क्या आ जाएगा, टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा था, टेन बीटा की वैल्यू क्या है, ए डेस बी डेस डिवाइडेड बाई माइनस एफ डिवाइडेड बाई टेन एल्फा कितना है, ए डेस बी डेस डिवाइडेड बाई एफ नोट, ए डेस बी डेस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास m बराबर क्या आया, m बराबर आ गया एफ नोट ऊपर चला गया माइनस ऐसे बाहर ले लिया, ये आ गया एफ नोट अपॉन एफ। देखिए यहां पर हमारे पास आवर्धन क्षमता है वो ऋणात्मक आई है, फोकस दूरी जो है फोकल लेंथ है वो दोनों कॉन्वेक्स लेंस से पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब एम नेगेटिव आएगा, लेकिन आवर्धन क्षमता नेगेटिव में नहीं होती, ठीक है ना, आवर्धन क्षमता प्लस में ही होगी हमेशा, तो हमें ऐसे लिखना है एम मॉडुलस, ठीक है, बराबर क्या होगा एफ नोट अपॉन एफ, ये फॉर्मूला हमें यूज में लेना है, पॉजिटिव होती है आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन पावर पॉजिटिव है, तो एम मॉडुलस इज इक्वल टू क्या जाएगा एफ नोट अपॉन एफ। अगर हमें दोनों लेंस की फोकस दूरी दी गई है तो हम ये आवर्धन क्षमता ले सकते हैं, नोट कर लेना इसको, वेरी आसान सा डेरिवेशन। ओके ओके, अब इस कंडीशन में देखो लेंथ ऑफ टू क्या होगी, लेंथ ऑफ ट्यूब और डिस्टेंस बिटवीन लेंसेस, ठीक है, नलिका की लंबाई या लेंसों के मध्य दूरी, इस कंडीशन में नलिका की लंबाई या लेंसों के मध्य दूरी क्या होगी वो हम देखते हैं। एल बराबर फॉर्मूला क्या आएगा, देखो एल बराबर दोनों लेंसों के बीच की डिस्टेंस देखनी है, यहां से यहां तक कितना एफ नोट है, यहां से यहां तक कितना एफ ही, लेकिन नेगेटिव नहीं लेना है, तो ये क्या जाएगा एफ नोट प्लस मॉडुलस एफ ही, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेस और व्हाट नलिका की लंबाई, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। हमें पता है कि नलिका की लंबाई और आवर्धन क्षमता, लेंथ ऑफ ट्यूब एंड मैग्निफिकेशन पावर दोनों एफ नोट और एफ ई के टर्म्स में है, ठीक है ना। अगर हमें ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस दोनों की अगर फोकल लेंथ गिवन है तो हम एम भी निकाल सकते हैं और एल भी निकाल सकते हैं,
और अगर हमें एम और एल गिवन हो तो हम एफ नोट और एफ ही निकाल सकते हैं इन पर, इस फॉर्मूले पर, इन दोनों फॉर्मूले पर टू टाइम्स 2016 और 2017, 2016 और 2017 में दो नंबर का न्यूमेरिकल आ चुका है। 16 में भी आया था इस फॉर्मूले पर और 17 में भी आया था, दोनों फॉर्मूले पर आया था, ठीक है ना। दोनों फॉर्मूले में एक बार तो ये दिया था एम और एल देकर एफ नोट और एफ ही पूछा था, दो इक्वेशन से हम दो वैल्यू निकाल सकते हैं, और एक बार एफ नोट और एफ ही देकर आपको एम और एल ए पूछा था, ठीक है ना। तो इन पर आधारित क्वेश्चन हम करेंगे आगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा है, ठीक है ना। ओके, इसको मैं मिटा देता हूं। अब इसका एक स्पेशल केस हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पर देखो डायरेक्ट यही ले लिया कि व्हेन द फाइनल इमेज इज ऑब्टेन एट द इनफाइनाइट। स्पेशल केस अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर बने तब क्या होगा, स्पेशल केस। When final image is obtained at least distance of vision, बोले तो कैपिटल डी, अगर फाइनल इमेज कैपिटल डी पर बने तब क्या होगा, तब हमारे पास जो लेंथ ऑफ ट्यूब नलिका की लंबाई और मैग्निफिकेशन पावर बोले तो आवर्धन क्षमता क्या आएगी टेलीस्कोप के लिए, ठीक है ना। तो वैसे तो आपको बोर्ड एग्जाम में अगर आएगा फोर नंबर का क्वेश्चन तो आपको उसी पर करना है, इसका हमारे डेरिवेशन नहीं है, लेकिन अगर कंपटीशन एग्जाम में आ जाए तो आपको करना है, ठीक है ना। तो ये भी आपको करना है, साथ में कॉपी में करना है ये, ठीक है, फेयर कॉपी भी करना है ये, ठीक है। ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, जब अंतिम प्रतिबिंब में स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता हो, तो इसके लिए हम कोई कंस्ट्रक्शन, कोई डेफिनेशन वो कुछ नहीं लिखेंगे, हम सीधे डायग्राम ले लेते हैं, ठीक है ना। ये लिख लिया होगा सबने, नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देता हूं। तो इसके लिए हम रे डायग्राम देखते हैं, इसका रे डायग्राम देखो। किरण चित्र देखते हैं इसका, सेम वैसे ही बनेगा, सिर्फ फाइनल इमेज है वो हमें डी पर बना दिया, ठीक है। अगेन ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, ये ओडेस हो गया, ये हम पैरेलल लाइट आ रही है, एक ये आ गई, एक ये आ गई, चलो दोबारा बना लेते हैं इसको, अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ये ओ लेंस हो गया, ये ओ डेस आ गया, ठीक है। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो उससे कैसी लाइट आएगी, पैरेलल आएगी, एक ये पैरेलल ले ली, एक ये पैरेलल ले ली, ठीक है, ये ऐसे इन्फिनिटी पर आ रही है डेस डेस होकर, ये तो सीधी निकल गई। इसका फोकस पॉइंट मान लो इधर है, यहाँ पर फर्स्ट फोकस पॉइंट ये हो गया एफ नोट डेस, और सेकेंड यहाँ पर आ गए, ये आ गया अपना एफ ए, ठीक है, ये
ऐसे मैंने आपको बताया था कि इस सेकंड फोकस से जो पास होने वाली लाइन है उस पर कहीं मिलेगी, तो ये यहाँ पर ऐसे मिल जाएगी, ठीक है। तो इसकी इमेज यहाँ पर बन गई, ए डैश बी डैश, ठीक है, ओके। अब देखिए दूसरे वाला लेंस ले लेते हैं हम, वो इसकी तुलना में थोड़ा छोटा होगा, हमने थोड़ा छोटा ही बनाया है इसको, छोटा कर देते हैं इसको, बड़ा बन गया। ठीक है, इससे छोटा ही है ये। अब देखो इसकी इमेज ऑब्टेन करते हैं, एक तो हमने पैरेलल बेस दी और इसके ये ई लेंस हो गया, ये ई डेस आ गया, ऐसे चलेगी, ठीक है। अब फाइनल इमेज है वो हमें लीस्ट डिस्टेंस और विजन पर बनानी है, तो इसका मतलब ये जो ए डेस बी डेस है वो इसके ऑप्टिकल सेंटर बोले तो ई डेस और ये एफ नॉट इन दोनों के बीच में, यहां पर देखो इसका जो मतलब आपका जो होगा एफ ए ई डेस इधर होगा और एफ ए ई इधर होगा, तो ये जो इमेज इससे बनी है वो इमेज कहां इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं प्लेस्ड होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसको मैंने नीचे ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है, और ऐसे जॉइन कर दिया, ये यहाँ पर ऐसे मिल रही है, तो ये इसकी फोकस आ गई, वैसे बहुत ज्यादा आ रही है तो हमें डायग्राम से इससे ज्यादा दिख रही है, ठीक है। तो इसकी जो फाइनल इमेज है वो यहाँ पर बन जाएगी, ए डबल डेस, ए डबल डेस ए बी डबल डेस, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक है, ये इसके फोकस पर बन रही है एफ नोट, तो ये डिस्टेंस तो आ गई एफ नोट, ठीक है। और ये जो है वो अब एफ ई पर नहीं है, एफ ई डेस पर थोड़ी प्लेस्ड है, एफ ई डेस को इधर थोड़ा इधर इधर बना दे, एफ ई डेस, एफ ई डेस पर नहीं है ये डिस्टेंस, वो क्या आ जाएगी माइनस यू ई आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम बनेगा, ये एंगल अल्फा होगा अगेन, और ये भी अल्फा होगा, ये फाइनल इमेज इसके साथ कितना एंगल बना रही है, बीटा एंगल बना रही है, ठीक है ना, ओके। तो इसका हम डेरिवेशन देखते हैं, वैसे इसकी फोकस फोकल लेंथ बहुत ज्यादा नजर आ रही है, लेकिन डायग्राम से कोई आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ओके। अब इस लेंस को थोड़ा सा पास में रखोगे तो कम आ जाएगी, ठीक है, तो हम कम करके देखें क्या, रहने दो, ठीक है, ओके। अब देखो सिंस हमें पता है कि m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है बीटा अपॉन अल्फा, एंड दैट इज नियरली इक्वल टू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, तो m निकालना है, पूरा डेरिवेशन करके देखना पड़ेगा, ये इक्वेशन नंबर वन आ गई, तो टेन अल्फा यहां से निकालो फ्रॉम फिगर, फटाफट कर लेते हैं इसको, फ्रॉम फिगर हमें तो फॉर्मूला चाहिए, फ्रॉम फिगर इन ट्रेंगल अल्फा कौन सी में है, एडेस बी डे से ऑडेस, ठीक है। यहां से हमारे टेन अल्फा क्या मिलेगा, टेन अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा बोलो, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है एडेस बी डेस है, डिवाइडेड बाई बेस क्या है ऑडेस से बी डेस, एडेस बी डेस अपने पास क्या है कुछ नहीं है, ऑडेस बी डेस क्या है एफ नोट है, ये आ गई इक्वेशन नंबर टू आ गई, ऑडेस बी डेस हमारे पास क्या है एफ नोट है। अब इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल इस त्रिभुज में आइए, त्रिभुज ए बी डेस ई डेस में, ए डेस बी डेस ई डेस में, यहां से हमें टेन बीटा मिल जाएगा, टेन बीटा क्या आएगा परपेंडिकुलर क्या है ए डेस बी डेस डिवाइडेड बाई ई डेस बी डेस, ए डेस बी डेस का कुछ पता ठिकाना नहीं है, और ई डेस बी डेस की वैल्यू क्या है माइनस यू ई है, यह इक्वेशन नंबर थर्ड, पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू, इस डायग्राम को आप पे बना लेना, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं अब, फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री सिर्फ
वैसे ही करना है, सेम टू सेम जो हमने पहले किया था, सिर्फ डायग्राम अलग है। डायग्राम में वहां पर जो हमने एडेस बीडेस जो इमेज थी वो कहां पर बन रही थी, वो फोकस पर रखी थी, तब जाकर वहां पर उसका इंफिनिटी पर इमेज बनी थी। बट यहां पर जो इमेज है एडेस बीडेस, उसको नेत्रिका आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच में कहीं प्लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो तो एम बराबर क्या आ जाएगा, टेन बीटा की वैल्यू क्या है, एडेस बीडेस अपॉन ए माइनस यूई। सिर्फ वहां पर यहाँ पर एफ ही था और इसमें क्या है माइनस यूई है, बाकी तो सेम टू सेम टेन एल्फा तो वही आया है, तो टेन बीटा है वहां पर एफ ई था, यहाँ पर माइनस यूई आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई एडेस बीडेस डिवाइडेड बाई एफ नोट, ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या जाएगा एम बराबर एफ नोट ऊपर चला गया माइनस एफ नोट अपॉन क्या जाएगा यूई आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर कितना दे देता हूं, फोर दे देता हूं। ओके, या फ्रॉम लेंस फॉर्मूला फॉर आई लेंस, ठीक है, नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र से, नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र से हमें पता है कि फाइनल इमेज कहां बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ ए विजन पर बन रही है। ठीक है ना, तो नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र लगाएंगे तो 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए वी ई माइनस 1 अपॉन ए यू ई। ठीक है, तो हमें पता है कि सिंस वी ई क्या होगा, वी ई क्या है फाइनल इमेज है, और फाइनल इमेज की डिस्टेंस है, फाइनल इमेज की नेत्रिका से डिस्टेंस क्या, लिस्ट ऑफ डिस्टेंस पर बन रही है, तो डी हो जाएगा, और यूई क्या लेना है माइनस ए यूई लेना है, हेंस हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस डी, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन ए यूई आ जाएगा। ठीक है, ओके, इसको मिटा देते हैं। अब देखो यहां से देखो हमें यहां से क्या चाहिए, एफ नोट अपॉन यूई चाहिए, क्या चाहिए एफ नोट अपॉन यूई, तो एक बटे यूई तो है, एफ नोट को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई गुणा करने पर दोनों पक्षों को मल्टीप्लाइंग एफ नॉट बोथ साइड, ठीक है, दोनों पक्षों को एफ नॉट से गुणा करने पर, एफ नॉट से गुणा कर दो क्या आ गया, ये एफ नॉट अपॉन एफ ई इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन माइनस डी और प्लस ए एफ नॉट अपॉन यू ई। ठीक है, क्या अब इसको इधर ले आओ और उसको इधर भेज दो। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं तो ये माइनस एफ नॉट अपॉन यू ई हो जाएगा इज इक्वल टू, ये पहले से माइनस है, माइनस एफ नॉट अपॉन डी, ये इधर गया माइनस का हो गया माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई। ठीक है, ओके, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं एफ नॉट अपॉन यू ई, यहां से मैं एफ नॉट अपॉन माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई को कॉमन ले लेता हूं, कॉमन ले लिया, इसमें देखो इसमें से हमने कॉमन लिया है तो एफ नोट तो आ गया कॉमन, लेकिन एफ ही नहीं है, ये क्या आ जाएगा एफ ही अपॉन डी आ जाएगा, यहां से कॉमन आ गया ये वन आ गया। ठीक है, सिंपल सा है, एफ नोट अपॉन एफ ही कॉमन लिया है तो एफ नोट तो बाहर आ गया, माइनस भी बाहर आ गया, एफ नोट भी आ गया, एफ ही नहीं है तो ये ऊपर चला जाएगा, एफ ही अपॉन डी आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर फाइव बोल दिया, फ्रॉम इक्वेशन समीकरण चार व पांच से, ठीक है, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, समीकरण चार और पांच से क्या जाएगा बोलो, क्या जाएगा यहां पर देखो इक्वेशन, इसकी जगह m लिख देते हैं तो m बराबर हमारे पास क्या है माइनस एफ नॉट अपॉन यू नॉट वन प्लस एफ ई अपॉन क्या है, ये कितनी अर्धित है एफ ई अपॉन डी। तो ये फॉर्मूला आपको यूज लेना है जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर प्लेस्ड हो तो आपको ये फॉर्मूला काम में लेना है। ठीक है, एफ ई दिया होगा, एफ नोट दिया होगा, डी आपको बताया 25 सेंटीमीटर लेना है तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर है तो ये लेना है, और इस कंडीशन में नलिका की लंबाई क्या होगी, लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ जो ट्यूब होगी, नलिका की लंबाई जो होगी या लेंसों के बीच की डिस्टेंस जो होगी
L बराबर क्या होगी, F नोट प्लस ए मॉडुलस ऑफ UE, इस कंडीशन में ये होगी। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो अपना जो रिफ्रेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है वो कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में हम लास्ट जो अपना टॉपिक है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, उससे रिफ्लेक्शन होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा, और परावर्तन किससे होता है, दर्पण से होता है। तो वहां पर हम लेंस की जगह, नेत्रिका लेंस की जगह हम क्या लेंगे, एक दर्पण, सॉरी अभिदर्शक जो लेंस है, अभिदर्शक लेंस की जगह हम क्या लेंगे, एक अवतल दर्पण काम में लेंगे। क्यों लेते हैं, लेंस से ऐसा क्या हो गया कि हमें दर्पण की जरूरत पड़ गई, तो लेंस से कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके लेंस के कारण प्रतिबिंब है उसमें कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं, इसके कारण हम लेंस की जगह दर्पण काम में लेते हैं। वो क्यों लेते हैं, उसके हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज, लाभ और हानि देखेंगे। ठीक है ना, तो इस टॉपिक को आप हेयर कॉपी में पूरा लिख लेना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।